मैं आपको किस करने के दो ऐसे अलग तरीके बताऊंगा जिसे अगर आप अपने पार्टनर को करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को करते हैं, तो सच में आपका पार्टनर पागल ही हो जाएगा। वो किस करने के बाद 100 बार सोचेगा कि ना तो मैंने अभी तक ऐसा किस करते देखा था और ना ही अभी तक मैं ऐसा किस की हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड सच में बहुत ज़्यादा सोचेगी। और गाइस, यही एक नई बात होती है ना कि अगर कोई नई चीज़ अगर सामने पड़ जाए तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं। तो ऐसे कोई नया तरीका अगर आप अप्लाई करते हैं अपने पार्टनर पे, तो आपकी गर्लफ्रेंड भी ना बहुत सोचेगी कि हाँ यार, ये कुछ यूनिक, कुछ अलग ही था। मेरा पार्टनर जो है ऐसा तरीका कहाँ से लेके आया, और ये मुझे अच्छा भी बहुत लगा। ये नहीं कि आपका पार्टनर बुरा मान जाए, आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा और आपका प्यार इतना तेजी से बढ़ने लगेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इस किस के बारे में ना आपकी गर्लफ्रेंड बार बार सोचेगी, जिसके कारण वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करेगी। उसी की वजह से आपका प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट किस कैसे करना है आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से समझना। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपका पार्टनर है, कहीं पर बैठा हुआ है और वहीं पर आप हैं, आपको किस कैसे करना है मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। आप बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे कि पार्टनर बैठा हुआ है, आप बैक साइड से आए, पीछे से अगर आप आते हैं, फिर आपको पीछे से अपनी गर्लफ्रेंड के दोनों चिक पे हाथ लगाना है, फिर अपने पार्टनर का सर थोड़ा ऊपर की तरफ, जो फेस है थोड़ा ऊपर की तरफ करना है, और फिर उसके बाद जो है दोनों चिक पे, दोनों गाल पे हाथ लगा के फिर अपने पार्टनर को लिप किस करना है। और ये किस बहुत ही अच्छा लगेगा आपके पार्टनर को, और ये किस आपको 5 से 10 सेकंड तक करना है। ठीक है गाइस, ये हो गया फर्स्ट किस, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है गाइस, एंड गाइस सेकंड किस कैसे करना है आपको, और इस किस को करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको एंड आपके पार्टनर को भी। गाइस, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो उसके लिए चॉकलेट या फिर टॉफियां तो लेके जाते ही हैं, और इस बार आपको वही लेके जाना है। और आपको अपनी गर्लफ्रेंड से एक बार पूछ लेना है कि आपको कौन सी चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर कौन सी टॉफी पसंद करती हो, या फिर कौन सा लॉलीपॉप पसंद करती हो। गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार, अब गर्लफ्रेंड से ये क्यों पूछना है और ये लेके क्यों जाना है, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि मैं किस लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ। आपको किसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ये सारे मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी मदद से अगर आप अपने पार्टनर को किस कर दें तो उसे बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें लेके जाना है अपने पार्टनर के पास। ठीक है, तो पहले आप ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर को दे दें, और जिस टाइम पे वो इन चीज़ों को खाने लगे, ठीक है, जैसे कि उसने लॉलीपॉप खाना शुरू किया या फिर उसने टॉफियाँ खाना स्टार्ट किया, ठीक है, उस टाइम पे जैसे कि आप बैठे हुए गाइस, आपको बैठ जाना है, फिर आपको अपने गर्लफ्रेंड को जो है ना गोद में ले लेना है, अपने पैर पे बिठा के अपने पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, और वो उस टाइम पे लॉलीपॉप या फिर टॉफी खाती रहनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको जो है ना अपने पार्टनर को लिप किस करना है, और अपने होठों के मदद से जो वो टॉफी खा रही है, आप बस इतना समझ रहे हैं ना, बारी बारी से आप एक दूसरे को ऐसे किस करना है, लिप किस करना है। 10-5 सेकेंड आप आराम से किस कर सकते हैं, और ये किस आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से। गाइस, अगर आप ऐसे करते हैं ना तो आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, इसीलिए मैंने बताया कि ये चॉकलेट टॉफी या फिर आप लॉलीपॉप ले जा सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एंड मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो गाइस, मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।